आसन की तरह अभ्यास करते। दाहिने पैर को पीछे से उठाएंगे, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, थोड़ी जमीन पर, सांस अंदर, ऐसे आराम से करवाते हैं। कमर दर्द होने पर जोर जबरदस्ती नहीं, कोई तेजी नहीं। 5-10 सेकंड से धीरे धीरे समय बढ़ाते हुए 15-20-30 सेकंड का कालखंड बढ़ता जाएगा। एक एक अभ्यास को 5 बार 10 बार 15 बार तक करवाते। दाया हाथ सामने, बाया हाथ पीछे कमर के ऊपर। सामने से दाया हाथ, पीछे से बाया पैर उठता है तो ये पीछे वाला हाथ की हथेली ऊपर की ओर, पीछे वाला हाथ कमर के ऊपर, सामने वाले हाथ की हथेली नीचे की ओर। दोनों पैर के पंजे तने हुए, घुटने सीधे, ऐसे क्रॉस करके आराम से उठाते। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, सहजता के साथ किया जाता है। जब बहुत तनाव में रहने के अभ्यस्त हो गए, तन पर भी तनाव होता है, तन के स्तर पर, बॉडी के स्तर पर स्ट्रेस होता है, फिर इंद्रियों के स्तर पर, मन के स्तर पर, विचार भाव संवेदनाओं के स्तर पर तनाव होता है। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में ये तनाव परिलक्षित होता है। तनाव से ग्रस्त व्यक्ति जब खाना खाता है तो ज्यादातर 99% लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं। कुछ 1-2% ऐसे भी लोग होते हैं ये क्रॉस करके उठाए, जो स्ट्रेस होने पर खाते ही नहीं, दाएं से बाएं हाथ की कलाई को ऐसे पीछे पकड़ लेते हैं, सामने से उठाते हैं। स्ट्रेस आहार में, विचार में परिलक्षित हो जाता है। वो जब बोलता है तो पता लगता है कि ये व्यक्ति तनावग्रस्त है, कोई ना कोई इसको प्रॉब्लम है। वाणी के स्तर पर तनाव परिलक्षित हो जाता है, उसकी वाणी से माधुर्य और एक जो स्वाभाविक वाणी का ओज तेज है वो उसमें क्षीण हो जाता है। सामने से उठाया, अब दोनों तरफ से उठा लेते हैं ऐसे। 3-4 अभ्यास हो गए सर्वासन।